يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ زِندَگِي خَتَم نہیں ہوتی ہے, मौत से हमेशा की जिंदगी शुरू होती है और उसी जिंदगी के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد। हाज़िरीन गिरामी, मौत के बाद क्या होगा और बरज़ख के हालात के ताल्लुक से सिलसिलावार दुरूस चल रहे हैं। अब तक के दुरूस में हमने ये मालूम किए कि मौत की हकीकत क्या है, फिर सकरातुल मौत क्या है, उसकी अलामतें क्या हैं, और फिर कल हमने मालूम किए हुस्न खातिमा यानी अच्छी मौत की अलामात क्या क्या हैं। आज हम लोग मालूम करेंगे कि मौत के वक्त में तकलीफें और सकरात की कैफियत तारी होने की हिकमत क्या है, क्यों सकरातुल मौत तारी होती है, और मोमिनों के साथ भी ये मामला होता है, उनको भी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसे कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ही मालूम किए, अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकरात को देखकर हम पहले तो सकरात को नापसंद करते थे, मगर आपकी सकरात की हालतों को देखकर, मौत की सख्तियों को देखकर हमने दूसरों के लिए इसको नापसंद करना छोड़ दिया। और आप खुद वफात के वक्त में तड़पते हुए बार बार अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, कि मौत की सख्तियाँ बहुत कठिन हैं। तो ये मौत की सख्तियाँ, सकरातुल मौत की कैफियत क्यों तारी होती है? हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, सकरात की हालत में हर एक को जाना है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, सकरातुल मौत का आना बरहक है। ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, जिससे कोई राह फरार नहीं है, कोई बच नहीं पाएगा, हर एक को आना है। लेकिन ये जो सकरात की कैफियतें होती है, क्यों, क्या वजह है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला जब हुआ है तो जाहिर सी बात है दीगर लोगों का क्या कहना है। सकरातुल मौत मोमिन पर जब तारी होती है तो ये जो कैफियत होती है, पहले हम इसको समझें कि सकरात किसको कहा जाता है। असल में सकरा, सकरात सुकारा के माने होता है बेहोशी, मदहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। सकरात की कैफियत वो है कि जब इंसान पर इस तरह की कैफियत तारी हो कि वो गोया के मदहोशी के आलम में चले जाएं, जबान लड़खड़ा जाए, और जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज किया कि इंसान मरता बाद में है, जान बाद में निकलती है, पहले जबान पड़ती है, इसीलिए इस जबान का सही इस्तेमाल किया करें।
जबान लड़खड़ा जाती है और गोया के उसकी अकल पे एक पर्दा जैसे पड़ जाता है। और बस औकात बाज लोगों की अकल ठिकाने पे रहती है, एकदम सही सलामत रहती है। और इस ताल्लुक से कि बाज लोगों की अकल ठिकाने पे रहती है, सही सलामत रहती है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाह, अमर बिन आस रज़ियल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आप जरा बताइए कि ये जो सकरात की कैफियतें होती हैं तो उस वक्त क्या कुछ हालतें होती है, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, उस वक्त तो इंसान, उस वक्त की कैफियत को इंसान तो बयान नहीं कर सकता है, बयान करने से वो कासिर हैं। ताहम जिसको के मुसद्र के हाकिम में इमाम हाकिम ने रिवायत की है कि अमर बिन आस वो कहते हैं कि अजब लिमन नज़ल बिही अल मौत, मौत की कैफियत, सकरात की कैफियत जब आ जाए ये अजीब कैफियत होती है, उसको कोई बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अक्लुहु माहू कि उस वक्त उसकी अकल ठिकाने पे नहीं होती है, वो इस दुनिया से गोया के गाफिल हो जाता है, उसकी अकल दूसरी जगह चली जाती है। तो कहा कि कैफला यसिफुहु, कैसे वो बयान कर सकता है जब अकल ठिकाने पर ना हो। ताहम बसा औकात बाज लोगों की अकल ठिकाने पर रहती है, तो उन्होंने बयान किया कि देखो, फलम्मा नज़ला बिहिल मौत قال له ابنه عبد الله, उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा, यानी उन पर सकरात की कैफियत तारी हुई, फिर वो होश में आए, फिर वो होश में आए, तो उसके बाद उनके बेटे ने पूछा कि अब्बू जान, फसिफ लनल मौत व अक्लुका माक, आपकी अकल जब ठिकाने पे थी तो मौत की ये जो सकरात की कैफियत है जरा हमको भी बयान कीजिए, हमको भी बयान कीजिए, सिफ लना, हमें भी मौत की कैफियत बयान कीजिए। फकाल, उन्होंने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल मौत अजल्लु मिन यूसुफ, मौत के सकरात की कैफियत तो इतनी अजीम है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, जुमले में बयान किया नहीं जा सकता है। ताहम कुछ तशबीहात के जरिए से, कुछ मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वला किन्नी सअसिफ लका मिन्हु शैआ, कुछ बयान करता हूं। अजिदुनी कअन्न अलैया अला उनुकी जिबालु रिद्वा, मैं ऐसा महसूस कर रहा था गोया के मेरे कंधे पे ये रिद्वा पहाड़ है ना, बहुत बड़ा पहाड़, वो पहाड़ मेरे कंधे पे रख दिया गया। अब सोचो, एक पहाड़ इंसान के कंधे पे रखा जाए, क्या उसकी कैफियत और हालत होगी। वह अजिदुनी कअन्न फी जौफी शौकुस सला, कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे पेट में अंतड़िया नहीं है, कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं, ऐसी चुबन है। एक तो बोझ, सर पे इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा बोझ है और पेट में कांटे जैसी कैफियत है, चुबन है, तकलीफ है पेट के अंदर। और ये सहाबी रसूल हैं, ये सहाबी रसूल हैं अमर बिन आस। वो अजिदुनी कअन्न नफ्सी तखरुजु मिन सक्त इबरा, और गोया के मैं इसे महसूस कर रहा हूं कि मेरी जान को सुई की सलाई में से निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, सुई की जो सलाई देखे है ना, सुई कितना कितना बारीक है, वो सुई की जो सलाई होती है, छेद है, गोया कि उसमें से मुझे गुजारा जा रहा है। अब सोचो कि उसमें से आपको अगर ठोसा जाए, उसके अंदर दाखिल कर दिया जाए, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, ये तो थोड़ी सी कैफियत उन्होंने कहा, मैं बयान नहीं कर सकता हूं, ताहम कुछ मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह अकबर, इसको इमाम ज़हबी ने इस पर सुकूत इख्तियार किया और तलखीस में और मुसद्दर के हाकिम में इमाम हाकिम ने इसको सही करार दिया है। हज़र निगरामी, यह है कैफियत, यह कैफियत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कैफियत और एक सहाबी की यह कैफियत है। तो अब सोचे हमा शुमा का क्या हाल होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अब ये जो कैफियत है तारी क्यों होती है भाई, इस तरह की कैफियत तारी क्यों होती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये कैफियत तारी हुई है, सहाबा इकराम भी है, और किसी को इससे राह फरार नहीं है। अहल इल्म ने लिखा है इसकी दो तीन हिकमतें हैं, दो तीन हिकमतें हैं कि क्यों इंसान पर इस तरह की सख्त कैफियत तारी होती है।
पहली बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे को एक ऊंचा मुकाम देना चाहता है, बंदे को एक ऊंचा मुकाम देना चाहता है और उसके पास उतनी नेकियां नहीं होती है, उतनी नेकियां नहीं होती है। अब अल्लाह ताला उसको मौत से पहले बीमारी तकलीफों में मुब्तला करता है, उस पर सब्र करता है, सब्र करता है, या उसके जान में, उसके माल में, उसकी औलाद में उसको अल्लाह तबरक ताला आजमाता है, आजमाता है। और इसको शिकलबानी ने सही करार दिया है, इमाम मुंदरी ने तरगीब और तरहीब में इस रिवायत को जिक्र किया है, और इसी तरह से इब्ने माजा और अबू दाऊद वगैरह में रिवायत है सही सनद के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल अब्द इदा सबकत लहू मिन अल्लाह मंजिला, अल्लाह के पास उसका एक मकाम मंजिला है, फलम यबलुगहा बिअमल, अपने आमाल के जरिए से उसको पा नहीं सका और मौत का वक्त करीब भी आ गया। इब्तलाहुल्लाहु फी जसदी, अल्लाह मौत से पहले उसके जिस्म में बीमारी देता है, औ माली या माली आजमाइश से उसको दो चार करता है, औ फी वलदी या उसकी औलाद को वफात दे देता है, सुम्मा सबर अला दालिका, फिर उसके बाद वो सबर करता है उस पर, हत्ता युबल्लिगहु अलमंजिलतल्लती सबकत लहु मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यहां तक कि अल्लाह ताला उसकी सबर की वजह से उस मुकाम पे फाइज करता है। और यही बात होती है मौत के वक्त में कि कुछ नेकियां कम है, मौत के वक्त में सख्तियां होती हैं, इस सख्ती की वजह से अल्लाह उस मुकाम पे पहुंचाता है। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई गुनाह नहीं, आपका तो आपकी नेकियां भी बेशुमार हैं, तो आप पर क्यों एक कैफियत तारी हुई? अगर किसी के गुनाह नहीं है, मौत के वक्त में सकरात की बड़ी तकलीफ उसको हो रही है, यह ना समझो कि गुनहगार था, यह सोचो कि अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा रहा है दुनिया में, अच्छी बात है, आखिरत के सजा से बच जाएगा। और अगर वह इंसान निकोकार था, नेकियां बहुत थी, फिर भी तकलीफ हो रही है, तो यह सोचो दूसरा मकसद है रफे दर्जात, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला तकलीफ में सकरातुल मौत हो या मौत से पहले की तकलीफों में मुब्तला करता है। और कभी कोई काफिर इंसान है, आसानी से मौत हो जाती उसकी, क्यों? अल्लाह ताला चाहता कि आखिरत में उसको और अजाब दें, मौत के वक्त में तकलीफ ना दे के उसको और अजाब दें, ये अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत है, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन की अजीब शान होती है, उसका सारा मामला खैर का होता है, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है सब्र करता उसके लिए खैर है, आसानियां हैं, आसूदगी है, शुक्र करता उसके लिए खैर है। और नबी ने यहां तक फरमाया, इंसान के पैर में अगर कांटा भी चुभता है मोमिन के पैर में, उस पर वो सबर करता है, अल्लाह उसको बेशुमार अजर देता है। तो एक कांटे की चुभन से अगर अल्लाह बेशुमार अजर रखा है, मौत के वक्त में इतनी सख्तियां अगर हो तो अल्लाह कितना अजर रखा होगा। ये हिकमतें हैं, अहले इल्म ने इन हिकमतों को बयान किया है कि इनकी वजह से कि मौत के वक्त में इंसान को तकलीफें होती हैं और मोमिनों के साथ ये मामला होता है ताकि उसके गुनाहों का कफारा बन जाए या रफे दर्जात का जरिया बन जाए। फतुल बारी में इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इनको बयान किया है कि ये हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि शिद्दतल मौत ला तदुल्लु अला नक्सिन फिल मर्तबा, कि मौत के वक्त में अगर सख्ती हो रही है तो आदमी का मकाम मर्तबा कम है, वो मोमिन नहीं है, गुनेगार इसकी दलील नहीं है। बल हिया लिल मोमिन इम्मा ज़ियादतुन फी हसनाती, उसके नेकियों में या तो इजाफा होगा या उसके गुनाहों की मगफिरत होगी या रफे दर्जात, इन तीन असबाब के तहत। एक ज़ियादतुन फी हसनाती, उसके हसनात में इजाफा करके, नेकियों में इजाफा करके ऊंचा मकाम अल्लाह इनायत फरमाएगा, और दूसरा यह है कि उसके गुनाहों की तकफीर है, और तीसरा यह है कि रफे दर्जात हैं। अल्लाह तबरक ताला किसी भी चीज से खाली नहीं रखा है। यह मोमिन के लिए सकरातुल मौत की कैफियत इसलिए तारी होती है ताकि उनको यह फायदा हो। एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मौत को नापसंद करता है और अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह उससे भी उसको भी नापसंद करता, उससे मुलाकात को नापसंद करता है।
और नबी ने खुद फरमाया कि देखो वहन जो तुम्हारे अंदर आ जाए, वहन, तो कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, वहन जब आएगा और सारी दुनिया वाले तुम पर हावी हो जाएंगे, सारी अकवाम तुम पर काबिज हो जाएंगे, कब होगा? वहन आएगा। वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। मौत से नफरत कब होती है? तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई है, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6507 है कि का वलकिन अल मोमिन इदा हदरहुल मौत बुशिरा बिरिद्वानिल्लाह व करामती। मौत के वक्त में फरिश्ते आते हैं, और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हम तो जिस्म को कफन पहनाते हैं, फरिश्ते रूह को कफन पहनाते हैं। फरिश्ते जन्नत से कफन लेकर आते हैं, यही लफ्ज है, और रूह को कफन पहना के लेके जाते हैं। नेक इंसान मोमिन के सामने आते हैं, उसको जन्नत की अल्लाह की रिजवान और अल्लाह की रजामंदी, करामत और शराफत और इज्जत की बशारत देते हैं। फलैसा शय्युन अहब्ब इलैहि मिम्मा अमामा, उसके सामने जो जन्नत के मनाजिर, जो खुशखबरियां, जो बशारतें होती है, अल्लाहु अकबर, अब उसके लिए चीज नापसंदीदगी नहीं होती है। वो चाहता है, शौक आता है कि चलो अब अल्लाह ताला सब मिलते हैं, इसको हासिल करते हैं। मौत के वक्त में जाहिरी तौर पर गर्चे घर बार से दूर, अपने बीवी बच्चों से जुदाई का गम उनको होता है, लेकिन ये जो बशारतें हैं ना, ये बशारतें उन पर और ज्यादा खुशी की घड़ी लेकर आती है। जब से मेरी मर्जी हुई गुम अल्लाह तेरी मर्जी में, जब से मेरी मर्जी हुई गुम अल्लाह तेरी मर्जी में, मौत में भी हमने पाए जिंदगी के मजे, मौत में भी मुस्कुराते हैं उस वक्त, देखते हैं कि अल्लाह अकबर, ये बेहतरीन बशारत है। अब उस वक्त मोमिन के दिल में शौक पैदा होता है, मौत आए और हम अल्लाह से जाके मिले, अल्लाह अकबर। ये है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौत के वक्त में चेहरे पे मुस्कुराहट, हशाश बशाश चेहरा, तरोताजा है। लोगों ने पूछा कि बिलाल, ये हशाशियत बशाशियत का राज क्या है? मौत के वक्त मुस्कुराहट का राज क्या है? कहा कि गदन अलका अहिब्बा, गदन अलका अहिब्बा, महबूब से मिलने जा रहा हूं, वो महबूब जिनको गैब से मैंने अहद अहद का नारा लगाया, जिसकी वजह से मुझे संगलाक वादियों में घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, सीने पे पहाड़ और पत्थर रखा गया, वो महबूब से मिलने जा रहा हूं। खुशी होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अकबर, खुशी का मौका है मोमिन के लिए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ ज़दा नहीं होते, गम ज़दा नहीं होते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना, ये जन्नत से तुम बशारत कबूल कर लो, ये जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। और फरिश्ते कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जन्नत में और निकोकार बंदों में दाखिल हो जा, रब की मर्जी की तरफ आ जा, तो मुतमइन है, मुतमइन है। तो ऐसे आदमी से अल्लाह भी मुलाकात की तमन्ना करता है, अल्लाह मुलाकात चाहता है। कहा तो ऐसा आदमी, फअहब्बा लिका अल्लाह वअहब्बल्लाहु लिकाहु, ये अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। उसके बरक्स, व इन्नल काफिर इदा हुदिरा बुशिरा बिअदाबिल्लाह उकूबती, काफिर के सामने फरिश्ते हाजिर होकर उसको मारते, पीटते, तकलीफ देते, डरावनी सूरत जहन्नम के टाट लेकर आते हैं, और उसको जहन्नम और उसके अजाब उकूबत सब दिखाया जाता है, परेशान होता है, नापसंद करता हूं, कहता अकरहु इलैहि मिम्मा अमामा, मेरे सामने मैं नापसंद करता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं, जाना नहीं चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मौत नहीं चाहिए, मैं अल्लाह से नहीं मिलना चाहता हूं। व करिहल्लाहु लिकाअह, अल्लाह उसकी भी मुलाकात को नापसंद करता है। क्या होता है? उसके रूह को जहन्नम के टाट में बदबूदार अंदाज में ले जाया जाता है, आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता। अल्लाह कहता है, इससे मुझे मिलना नहीं है, इससे मुझे नहीं मिलना है। फरिश्ते भी कहते हैं, खबीस रूह कहीं की, खबीस जान, इसको आसमान के में जगह नहीं है, इसको फेंक दो, वहीं से आसमान से फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कोई झूले पे झूला नीचे आता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? अगर वहीं से उसको फेंक दिया जाए, चीखता है, चिल्लाता है, जमीन के तह में जाता है, और अल्लाह कहता है उसको जमीन के नीचे सिज्जीन में कैद कर दो, सिज्जीन में कैद कर दो, उसकी यह हालत होती है, अल्लाह उससे मिलना नहीं चाहता है। यह इसका मतलब है, मफहूम है। तो सकरातुल मौत
की कैफियतें और उसकी हिकमतें ये रही। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको सकरातुल मौत की सख्तियों से महफूज रखें, और अल्लाह ताला हमारी तकलीफों को, परेशानियों को, मुसीबतों को हमारे गुनाहों का कफारा और रफ़े दर्जात का जरिया बना दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। सल्लल्लाहु नबी मुहम्मद।